तो अग्नि आज तक नहीं बुझा है 3,500 साल से। 3,500 साल से हाँ, वही अग्नि कालू राम देते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर लोग जो जिंदा होते हैं वह भी पिंडदान करते हैं। तो साथियों, अभी मैं था मणिकर्णिका घाट पर। यहाँ की प्रसिद्धि आप जानते हैं और यहाँ की भव्यता आप जानते हैं। क्यों मणिकर्णिका घाट पर इतनी ज़्यादा चिताएँ जल्दी जलती हैं और हर समय, हर रोज, महीने जितने होते हैं साल में, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता यहाँ पर एक चिता न जलती हो। तो इसके जो मणिकर्णिका घाट का महत्व है, मैं पुजारी जी से पूछूंगा। और यहाँ का जितना भी माँ गंगे का दर्शन है मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए मैं इस मणिकर्णिका घाट का कुछ भव्यता और इसका महत्व बताता हूँ। भगवद गीता, रामचरितमानस, महाभारत जैसे किताबों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। क्या आपने करुण पुराण नाम की किताब के बारे में सुना है? वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इस किताब को बुलाते हैं हिंदू बुक ऑफ डेथ। मौत के टॉपिक को लेकर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं करुण पुराण में। करुण पुराण के अनुसार यमराज, जो भारतीय संस्कृति की मौत के देवता माने जाते हैं, खुदा के आपकी आत्मा को इस लोक से दूर ले जाते हैं। हमारे लोक का नाम है भूलोक। और अगर किसी का जन्म भूलोक में हुआ होता है, उनकी जिंदगी का एक ही कर्तव्य होता है, जीवन का सच सीखना। शायद इसीलिए हम सब ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। और इसी सीख की खोज में मैं अनिल पहुँचा मणिकर्णिका घाट। मेरा बनारस आने का मकसद ही मणिकर्णिका घाट पर मौत के परम सत्य को बहुत ही नज़दीक से अनुभव करना था। और जो अनुभव मुझे इस दिन हुआ वह कभी भूल ही नहीं सकता। मुझे बनारस आकर इस मणिकर्णिका घाट पर आने का यह अवसर मिला था, मैंने इसे कतई भी हाथ से नहीं जाने दिया। यहाँ आने से पहले मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जो चीज़ें मैंने यहाँ देखी वह सब देखकर मैं कुछ समय वहाँ सुन्न बैठ गया और सोचा वाकई यही है जीवन की हकीकत। आज से पूरे 1 साल पहले मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया था। उसके जाने पर मैं बहुत रोया। मेरा व्यवहार एक पागल की भांति जैसा हो गया था, पर यह सब देखकर मैंने इस हकीकत को बहुत पास से जाना। और इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने मृत्यु के बारे में बहुत करीब से सीखा। मैंने बहुत ही बड़े पर्दे पर जीवन की एक परम सत्य की फिल्म को देखा। यहाँ मैंने जाना जो चिता को अग्नि देते हैं वह डोम प्रजाति के होते हैं। आप जब भी आए यहाँ डोम राजा की इस मंदिर में प्रवेश होना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जिसे आप बाकी सोच के यह अंदाज़ा लगाएंगे कि सनातन धर्म ही सत्य है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपने वह गाना सुना है कि होली खेले मसाने में, तो वह क्यों बनाया गया है? यहाँ पर एक होली होती है, होली के जस्ट एक दिन पहले जो नागा साधु होते हैं वह जो ये राख होती है मृतों की, जहाँ ये जो जल रही हैं इसके राख से जो नागा साधु होते हैं वह होली खेलते हैं। तो प्रसिद्ध होली होती है। और आप ये जो देख रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होगा यहाँ पर एक चिता न जली हो। हर दिन, हर समय यहाँ पर चिताएँ जलती रहती हैं। मैंने हर मेडिटेशन के पीछे एक कहानी सुनी है, और यहाँ मणिकर्णिका घाट की कहानी अनोखी ही थी। फिर मुझे जो यहाँ चिता को अग्नि दे रहे थे वह व्यक्ति मिले। थोड़ी मैंने उनसे बातचीत की, आप भी उनकी बात सुनिए। तो अभी साथियों, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित रहने वाले जो कि चिताओं को आग देते हैं, भाई जी उपस्थित हैं, भाई थोड़ा आगे।
तो मुझे ये बताइए भाई, इस मणिकर्णिका घाट का महत्व क्या है? उसे बताइए, इस मणिकर्णिका घाट का नाम कैसे पड़ा? ये मणिकर्णिका घाट इसलिए नाम हुआ, यहाँ पे विष्णु जी 60 साल तपस्या किए। अच्छा, तो जो कुंड है वो अपने चक्र से कुंड बनाए हैं। अच्छा, वो जो तपस्या कर रहे उनके पसीना वो कुंड में गया है। अच्छा, और शिव जी पार्वती जी यहाँ आए थे घूमने के लिए, वो पानी देकर, जैसे तपस्या वाला पानी देकर उसमें स्नान किए, शिव जी का मणि हरा गया, माँ का कुंडल हरा गया। अच्छा, जस्ट वाई द नेम मणि करने का, यानी कि उनका माता जी का कुंडल खो गया था, शिव जी का मणि, उसी हिसाब से इसका नाम से मणि करने का नाम रखा गया। यहाँ महत्व है जलाने का, यहाँ माँ सती जली है। माँ सती, हाँ, तो अग्नि आज तक नहीं बुझा है 3,500 साल से। 3,500 साल से, हाँ, वही अग्नि कालू राम देते हैं, जो जलते हैं उसको मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्ति मिलती है। हाँ, तो कोई ऐसा दिन गया है कि यहाँ पर कोई भी एक भी चिता ना जली हो? हियर बर्निंग ऑल डे नाइट, नेवर स्टॉप। लेकिन यहाँ पे कोई आदमी स्टार्ट नहीं किया है, ये स्वयं महादेव स्टार्ट किए, स्वयं महादेव उनके लिए स्वयं यज्ञ चल रहा है। अच्छा, अपने फैमिली के लोग आके आयुति दे रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पर लोग जो जिंदा होते हैं वह भी पिंडदान करते हैं, उसका क्या महत्व है? जैसे पीपल वेटिंग टू डाई हियर, तो वो पहले ही से अपना भंडारा कर देते हैं। अच्छा, अपने ही से पिंडदान कर देते हैं। अच्छा, तो महाराज मैं एक सवाल हो रहा है मेरा बस, कि यहाँ पर लगभग कितने रुपए में एक चिता को जलाया जा सकता है? अब वो देखिए उनके फैमिली के ऊपर है, उनके पास सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है जी। अब वो चाहे तो 2,000 में भी जला सकते हैं, वो चाहे तो 2,00,000 में भी जला सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कल ये लास्ट पूजा उनका है, लास्ट सेरेमनी अबाउट। अच्छा, तो आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम तो ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हर हर महादेव, हाथ मिला सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपने इसका महत्व जाना और मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के द्वारा इसका पूरा इतिहास अच्छे से बता दूंगा। यहाँ के कुछ राज ऐसे हैं जो आज भी उजागर नहीं हुए हैं, वह राज आप खुद यहाँ आकर अनुभव करेंगे। ऐसा कहा जाता है यहाँ के वह काल जो हमेशा उपस्थित रहते हैं, जो कि मृत इंसान के कान में मंत्र पढ़ते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका पर पहुंचकर मुझे एक ऐसी एनर्जी का अनुभव हुआ जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मणिकर्णिका तक पहुंचने के लिए बहुत गलियों से निकलकर जाना पड़ता है, और उस गली से हमेशा ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। घाट तक पहुंचने वाली गली में रहने वाले लोगों ने न जाने कितनी लाशें देखी होंगी, न जाने कितनी चिताएं जलती देखी होंगी। यह घाट और गंगा माँ दोनों मोक्ष के दरवाजे माने जाते हैं। यहाँ जब बॉडी को चलाते हैं तो उसे ऐसे ही चिता पर रख देते हैं, चलते हुए आप उसके अंगों को देखते हैं, किसी का चेहरा तो किसी का हाथ दिखाई देता है। यह जो हम जिसे शरीर, हाथ, चेहरा आदि अंग बोलते हैं, वह सिर्फ एक यंत्र है जिसमें आपकी आत्मा घूम रही थी, और आज वह आत्मा निकल चुकी है, और यह यंत्र एक मिट्टी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में मृत आत्माओं के लिए 4 दरवाजे बनाए गए हैं। जिसने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं उसे पूर्व के दरवाजे से प्रवेश होने का मौका मिलता है, और जिसने जीवन में बहुत ही दान किया है उसे पश्चिम के दरवाजे से प्रवेश होने का मौका मिलता है, और साधु संत महात्मा उत्तर दरवाजे से प्रवेश करते हैं। दक्षिण के दरवाजे से वह प्रवेश करते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हों, जिन्होंने लोगों को बहुत सताया हो, दुख पहुंचाया हो,
ऐसा माना जाता है जिसने दक्षिण दरवाजे से यमलोक में प्रवेश किया था यमराज वह निर्णय लेते हैं कि अगले जीवन में वह कौन सी योनि में जाने वाला है। अगले जीवन तक वह नर्क के किन पीड़ाओं का सामना करने वाला है। यहाँ जब मैंने अग्नि को जलते देखा तो मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कुछ सवाल किए, तो कौन है तेरा, क्या अस्तित्व है, तूने क्या कमाया है, तू क्या बटोर रहा है, और तू जाएगा तो क्या लेकर जाएगा। कुछ भी नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है, नाम रिश्वत शोहरत इज्जत हर कुछ सब यहीं रह जाता है, सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाते हैं। वैसे तो करुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा है, मृत व्यक्ति को कंधे पर लेकर जाते हैं तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ राम का नाम ही सत्य है इस दुनिया में, बाकी सब झूठ है। मौत एक परीक्षा है और इस परीक्षा की पढ़ाई जिंदगी भर होती है। साथियों अच्छे कर्म करते रहो। हर हर महादेव। ओम शांति 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 ओम। ये वही कुंड है जहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ नहाए थे। माता पार्वती का कुंडल इसमें गिरा था और भोलेनाथ की मणि, तो इसी यानी कि कुंडल और मणि गिनने से मणिकर्णिका इसका नाम पड़ा था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, राम राम, जय महाकाल।